सुनने की साहस रखोगे तो शायद करने का भी साहस आ जाएगा। जिस व्यक्ति में सुनने का ही साहस नहीं है वो करेगा क्या? श्रवण मंगलम, पहली भक्ति श्रवण है। जो सुन सकता है वो एक दिन कर भी सकता है, पर जो सुनने तक में घबराता है, ट्रेन की पटरी पे खड़ा है, ट्रेन आ रही है, जैसे ही ट्रेन सामने आया आंख बंद कर लिया ऐसे करके, तब ट्रेन क्या करेगी? रुक जाएगी। बेचारे ने आंख बंद कर लिया है ना, रुक जाएगी ना। सामने से शेर आ रहा है और आदमी सामने पहुंच गया, आंख बंद कर लिया। शेर कहेगा नहीं नहीं आंख बंद किया है, क्या खाऊं बेचारे को, बेचारा आंख बंद कर लिया। तुम्हारे आंख बंद करने से ना ट्रेन रुकने वाली है, ना तुम्हारे आंख बंद करने से शेर तुम्हें छोड़ने वाला है। सिंह के ग्रास बनोगे और रेल की पटरियों पे खाट दिए जाओगे। तुम्हारे आंख बंद करने से दुनिया में कुछ बदलने वाला नहीं है। यह दुनिया आंख बंद करने के लिए नहीं, आंख भी साधु संत और साधक बंद इसलिए करते हैं कि भीतर का जो बंद आंख है वो बाहर तक में खुल जाए, इसलिए आंखें बंद करते हैं। आंख खोलने के लिए आंख बंद किया जाता है, लेकिन बाहर की सच्चाई से छुपने के लिए और छिपाने के लिए आंखें नहीं बंद किए जाते। जो बड़े बड़े साधुओं को देखते हो, तुम भी आंख बंद करके ध्यान करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसलिए की जाती है कि आंखें खुल जाएं तुम्हारी। अंधों की तरह धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह जीने से अपने ही बच्चे एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में लहूलुहान होकर पड़े रहेंगे, चील और गीद उन्हें खाते रहेंगे। ये दो अंधे थे जिसने अपने सारे बच्चे बच्चियों और अपने खानदान को समाप्त करवा दिया, एक धृतराष्ट्र एक गांधारी, और बैठे हुए भारतवर्ष में एक माता और एक पिता। जब वो धृतराष्ट्र और गांधारी बन जाएं, तो जब वो 100 नहीं बचे तो तुम्हारे 2 कहां से बचेंगे, 3 कहां से बचेंगे? वो 100 नहीं बचे। कर्ण जैसे लोग रहते हुए इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त भीष्म के रहते हुए भी दुर्योधन के 100 भाइयों की और दुर्योधन की तरफ खड़े एक सेना का रक्षा नहीं हो पाया, तुम्हारे 2 कैसे बचेंगे? तुम्हारी श्रद्धा का क्या होगा? तुम्हारी अंकिता का क्या होगा? तुम्हारे उन बच्चों का क्या होगा जो किसी निर्भया को दीन दहाड़े दिल्ली में लूट लेते हैं? वो भी तो किसी मां बाप का संतान था, वो भी तो कॉन्वेंट में पढ़ने जा रहा था, उसके संस्कार कहां थे? क्या घर में दुर्योधन पैदा करके रखे थे? इस पृथ्वी पर आप आए हो तो भगवान को सबसे श्रेष्ठ क्या दे सकते हो? एक गृहस्थ भगवान को क्या दे सकता है? बोलो, एक गृहस्थ भगवान को क्या नारियल दे सकता है? सोने और चांदी लाके चढ़ा सकते हो? ये चढ़ावा चाहिए भगवान को तुमसे? एक गृहस्थ अगर इस दुनिया में ईश्वर के चरणों में लाकर कुछ चढ़ा सकता है तो ध्रुव प्रहलाद और मीरा जैसे बालक बालिका लाके चढ़ा सकता है, स्वामी विवेकानंद जैसे बालक लाके चढ़ा सकता है। प्रभु आपकी संतान है, पूरी दुनिया में भारतीय धर्म की ध्वजा को लहराएगा मेरा नरेंद्र, मेरा विवेकानंद। क्या दोगे तुम? वाह 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 वाह, पैसे चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, रुपये चढ़ा रहे,
लडुआ चढ़ा रहे, अब बालक को दुर्योधन बना रहे, बालिका को सूर्पनखा और ताड़का बना रहे, पुतला बना रहे। ये नहीं चलेगा, और ये धर्म के लिए मत करना और देश बचाने के लिए मत करना, अपना खानदान बचाओ। बड़ा देश बचाने का लोगों का, बहुत लोगों का दे, गुरु जी हम देश बचा देंगे, अपना बाल बच्चा तो बचा, संस्कार तो दे ले, दो बच्चे हैं वो संस्कारित नहीं हो पाए, देश बचाएंगे। गुरु जी हम देश के लिए समाज को बदल डालेंगे, अपने खानदान बदल लो, अपनी सास, अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने नातेदार, अपने संतान, इनके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हो, इन्हें सुसंस्कृत बना पाओ, देश बदल देंगे, समाज बदल देंगे, राज्य बदल देंगे, बहुत लोग तो आनंदम धाम बदल देंगे। गुरुजी हम आनंदम धाम बदल देंगे, आनंदम धाम में बहुत सब कुछ ठीक कर, तुम तो बदल जाओ। चांद न बदला, सूरज न बदला, कितना बदल गया इंसान, हम सब कुछ बदलने पर लगे हैं। और अब बताता हूं, इनको भी नहीं बदलना है, न बच्चों को, न पिता को, न माता को, न भाई को, न बहन को, न पत्नी को, न पुत्र को, न मित्र को, न नातेदार को, न रिश्तेदार को। अगर इस दुनिया में बदल सकते हो तो खुद को बदल लो, सारे लोग बदल जाएंगे। स्वयं बदल, स्वयं के भीतर में संस्कृति आ जाए, स्वयं के भीतर में आह्लाद आ जाए, स्वयं के भीतर में आनंद आ जाए, आत्मज्ञान से तुम्हारा परिचय हो जाए। केवल शरीरों के ऊपर जीने वाले तुम न बचे रहो, बल्कि तुम्हारे निर्णय आत्मा के द्वारा हो, जो आत्मा कहती है। आजकल तो आत्मा भी मन बन जा रहा है, वो कॉलेज में सब जाते हैं, बोले पहले आत्मा तब परमात्मा, रसगुल्ला खाने के लिए पहले आत्मा तब परमात्मा। जो आत्मा न कटती है, न जलती है, न मरती है, रसगुल्ला कब से खाने लगे? तुम्हारा क्या कृष्ण से स्पेशल अलग का आत्मा आया था क्या? एक अलग संस्करण आया है क्या? न्यू एडिशन आत्मा, जैसे न्यू एडिशन बोलेरो, न्यू एडिशन पजेरो, वैसे न्यू एडिशन आत्मा रसगुल्ला खाने वाली आत्मा। वाह क्या बात है, इनकी आत्मा रसगुल्ला खा। वो हमारे घर में ही लोग कई बार बोलते हैं, देखिए हम आत्मा से बोल रहे हैं। आत्मा को पहचानते हो? आत्मा से बोल रहे हैं। तुम्हारा मन ही बहुरूपिया है, वो कभी आत्मा बन जाता है, कभी परमात्मा को। कई लोग तो बोले हम कृष्ण हो गए, बचपन से ही हम कृष्ण थे। कई लोग ऐसे दुनिया में पूत के पांव पालने में, पांव में चक्र के चिन्ह दिखाई पड़े मां को, तो पता चला फिर से कृष्ण आ गया। तो पता चला पौंड्रक कृष्ण हो गए, राम हो गए। इंसान बन नहीं पाए, भगवान बनने चले हैं।